एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट। यस मैम। चैप्टर 3 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। दिस चैप्टर हैज कंप्लीटेड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इट हैज कंप्लीटेड टू ऑल। ये सारे कंप्लीट है सभी के? यस यस मैम। पेज नंबर 21 ओपन एवरीवन। पेज नंबर 21 पेज नंबर 21 ऑफ चैप्टर 3 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड डी शॉर्ट ई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये सभी के कंप्लीट है? चेक यस मैम। कॉपीज चेक कीजिए आप लोग। यस मैम। ओके गुड। एंड यस मैम। क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3। आई हैव कंप्लीटेड मैम। ओके गुड। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखिए। पेज नंबर 22 चैप्टर 3। परिधि ज्योति, हर्षित पटेल, सार्थक, यस मैम कंप्लीटेड। आरा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो गए इनके? यस मैम। यस मैम। मीन्स सिर्फ रीडिंग नहीं, आंसर भी आप लोग के पास है। रीता वांटेड टू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द नियर बाय। क्लास 4। यस मैम। यस मैम। ओके इफ इट हैज कंप्लीटेड सो टेल मी। आई एम आस्किंग क्वेश्चंस। Why did Rita's mother object to the plucking of flowers? Pramit Raj. Silent everyone. Pramit Raj. Yes, ma'am. Tell me. Answer. Why did Rita's mother object to the plucking flowers? Rita ki mamma kyu mana kar rahi thi flowers ko todne ke liye? Why? आपकी कॉपी में आंसर है परिधि? यस मैम। ओके क्लास 4 की आरा। क्लास 4 ही अवंतिका। क्लास में किया है क्वेश्चन सबने बता पाए? अवंतिका पेज नंबर अवंतिका आर यू लिस्टिंग? क्लास 4 ई आर एफ सिंह, असीम। यस मैम। यस मैम। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट है आपकी कॉपी में? चेक करो। यस मैम। कंप्लीट है? आरुषि वर्मा। यस मैम। आंसर दीजिए। व्हाई डिड रीतास मदर ऑब्जेक्ट टू द प्लकिंग फ्लावर्स? प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स। यस मैम। बोलिए आंसर, तभी मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। जल्दी बोलो आंसर। कॉपी में लिखा है ना, उसे ही देखकर बोलो। आरुषि, आरव। मैम बहुत अच्छे से नहीं दिखाई दे, बोर्ड पे कुछ है ही नहीं तो अभी क्या दिखाई देगा? जो मैं लिखवाई हूँ, अगर लिखा है तो आंसर बताओ। कैमरा ऑन कीजिए। मैम हम क्लास नहीं लिखाया हुआ है। आरव सिंह मैम मेरा हुआ है। राइट डाउन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3। ये तो स्टोरी बता चुकी हूँ, इसे आप लिखिए, मैं आंसर दे रही हूँ। ठीक है, राइट डाउन फ्रॉम चैप्टर 3।
मैम एंड पॉपी, मैम चैप्टर थ्री का मेरा भी हो चुका है। फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। व्हाई डिड रीता'स मदर ऑब्जेक्ट टू द प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स? मीन्स रीता की मदर क्यों मना कर रही थी फ्लावर्स को तोड़ने के लिए? क्यों मैम परिधि आंसर दीजिए। Her mother objected to it and said that they should take care of flower and do not pluck them. Because flowers make fruits and fruits store seeds. Ma'am, growing in new plants. Because we should take care of flowers and not pluck flowers. But you have to write here why, क्यों, पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? ये तो आप बता रहे हैं कि we should protect the flowers. Okay, we cannot means we do not pluck the flowers. We should take care. मैम मेरा भी हो चुका है। ऐसा क्यों करना है? फ्लावर्स को क्यों हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखना है? राइट डाउन बिकॉज लिखिए। We should take care and take care for flower, not collect stone. फ्लावर्स के बाद क्या लिखी है? फ्लावर्स के बाद बिकॉज फ्लावर्स मेक फ्रूट स्टोर सीड्स एंड सीड्स हेल्पिंग। मैम रफ कॉपी में लिखना है। मैम रफ कॉपी में लिखना है। इफ यू हैव रफ कॉपी सो यू कैन राइट इन रफ कॉपी। अगर आपके पास रफ है, फेयर है, जिसपे आपकी चॉइस। बिकॉज फ्लावर्स मेक फ्रूट्स स्टोर सीड्स एंड सीड्स हेल्पिंग ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। समझ में आया कि रीजंस क्या है क्यों नहीं? एंड के बाद मैम क्या लिखी है? एंड के बाद एंड सीड्स बीज एस डबल ई डी एस सीड्स हेल्प इन ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। स्टोरी सभी को याद है? मैम साइड प्लीज। सभी को स्टोरी याद है? साइड मैम एक्सक्यूज मी मैम या मैम आप
मैम आप व्हाट्सएप पे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर ई का सारा क्वेश्चन भेज देंगे, मेरा नहीं लिखा हुआ। मेरे पास उसके फोटोज नहीं है, आप क्लासमेट से मांग लेना, ठीक है? मैं फोटो क्लिक नहीं की थी, मैं यहीं पे लिख पाई हूँ बोर्ड पे। आप लोग लिखे हो ना, परिधि, सार्थक, रिटेन एवरीवन, फर्स्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द अबव सिचुएशन टेल अस अबाउट प्रीताज मदर, मींस इन दैट टाइम व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ प्रीताज मदर, मींस रीता की मदर क्या उस समय सोच रही थी, मींस क्या था उनका सिचुएशन? इनसाइड। एवरीवन मैम, मींस वहां पे वो फ्लावर्स को तोड़ने से मना कर रही थी, ऐसा क्यों, क्या उनकी सिचुएशन थी, क्या वो सोच रही थी? What she was thinking that time? She was nature loving. Shivam Raj, Avantika, yes, ma'am. Paridhi, answer dijiye. नेचर लविंग, हेल्पफुल एंड कंसिडरेट। मैम रीता मदर्स को हम, रीता की मदर को हम लोग इको फ्रेंडली कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, नेचर लविंग यू कैन से, नेचर लवर्स, इको फ्रेंडली नहीं, नेचर लवर, तभी तो तोड़ने से मना कर रही है। वो कंसिडरेट भी है, सोच रही है कि अगर फ्लावर्स टूट जाएगा तो फ्रूट्स नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे तो फ्रूट्स भी नहीं होगा। I have done, ma'am. कंसिडरेट, राइट ऑन अ स्ट्रिक्ट आंसर, फाइंड हर टेलिंग। नेचर लविंग, और नेक्स्ट पॉइंट, कोई एक पॉइंट आप बताओ। शांति शंकर, यस मैम, एनी नेक्स्ट पॉइंट? I have already. Kind-hearted, nature-loving, helpful, considerate. Helpful. Helpful. Considerate. Write down. I have done, ma'am. मैम कंसीडरेट मतलब, मैम
मैम लविंग के बाद क्या लिखा हुआ है? लविंग कॉमा हेल्पफुल। मैम कंसिडरेट मतलब फुल स्टॉप। कंसिडरेट फुल स्टॉप। मैम बोलने वाला मैम कंसिडरेट मतलब कंसिडरेट मतलब कंसिडरेट नहीं है कंसिडरेट। वो सोचती है कि अगर ये अभी फ्लावर्स तोड़ दिया जाएगा तो वो फिर वो फ्रूट्स नहीं बनाएंगे। ये भी सोचते हो ना आप लोग? यस मैम। फिर उसके बाद फ्रूट्स नहीं होगा तो फिर सीड स्टोर नहीं होगा। सीड स्टोर नहीं होगा तो फिर न्यू प्लांट्स नहीं है। करते हैं ना न्यू प्लांट्स ग्रो। आप लोग सीड को क्या करते हो? सो करते हो सॉइल में। यस मैम। वाटरिंग करते हो, प्रॉपर केयर करते हो तो फिर न्यू प्लांट्स उसपे ग्रो करते हैं। तो ये वो कंसिडरेट थी तभी वो उसे मींस प्लांट्स को तोड़ने से प्लग करने से रोक रही थी। किसे? रीता को, है ना। और हार्टेड मतलब मैम हार्टेड मतलब काइंड हार्टेड मींस दयालु सॉफ्ट हार्ट। समझ गए? यस मैम। कैन आई रेज नाउ? यस मैम। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन पेज नंबर 23 सजेस्ट सम वेज टू हेल्प द नीडी मींस नीडी डू यू नो। Needy, do you know about the needy person? मैम जिसको किसी चीज की जरूरत हो। Very good. जो जरूरत। Very good. Means you can see the रिक्शा puller. देखते हो रिक्शा puller? इतनी गर्मी में वो रिक्शा को pull करते रहते हैं। उनके पास स्लीपर भी नहीं होते फिर वो रिक्शा को pull करते रहते हैं। वो खरीद नहीं सकते। वो बहुत ही पुअर होते हैं मींस दे आर नीडी पर्सन। उनकी जरूरत है लेकिन वो खरीद नहीं सकते बिकॉज ऑफ पॉवर्टी मींस वो गरीब होने के कारण उनकी वो अपने आप को फुलफिल नहीं कर पाते ये सारी चीजों को। ठीक है तो उन लोग के लिए हम लोग कुछ दे सकते हैं ना। यस मैम। खराब हो गए और उसे वो तुरंत फेंक देते गार्बेज पे। लेकिन वही चीज आप देखोगे कुछ लोग उस गार्बेज से उठाकर वो अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर लेते यूज कर लेते हैं। देखते हो ना बड़े बड़े घर में शादियां होती है और उस जगह पे देखोगे कि बहुत सारा चीज बाहर गार्बेज पे डाल दिए। वहां से एनिमल्स तो खाते ही रहते हैं लेकिन कुछ लोगों को देखोगे उसमें से ढूंढकर कुछ खाने की चीजों को ले रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप जितना खाना चाहो जितना आपको यूज में हो उतना यूज कीजिए बर्बाद मत कीजिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उन सारी चीजों की जरूरत होती है ना। लोग शादी में ये सोचते हैं कि चलो खाते हैं बाकी चीजों को फेंक देते हैं। नहीं आप वैसे ही उतना ही लीजिए प्लेट्स में जितना आप खाना चाहो। फेंकना क्यों है? हर एक चीज में बहुत मेहनत होती है। आप फार्मर्स को देखो इतनी गर्मी है लेकिन वो क्या कर रहे हैं मींस क्या कर रहे हैं वो सारे ग्रेन्स का और जितने भी प्लांट्स हैं उसकी केयर कर रहे हैं बाहर धूप में रहकर सन में रहकर कर रहे हैं ना। yes, तो जितना हो सके हम लोग यूज yes. जितना हमारी जरूरत है उतना यूज करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हमारे देखोगे बाहर नीडी पर्सन है उनकी बहुत चीजों की जरूरत होती है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। यू आर इन द क्लास एंड यू आर रीडिंग समथिंग कंसंट्रेट हियर। इफ यू वांट टू ईट सो यू कैन लीव द क्लास एंड गो एंड ईट व्हाट यू वांट टू ईट। Otherwise, you are in the class, so concentrate here.
घर में हो लेकिन ये क्लास चल रही है तो आप क्लास में. Understood? So here you have to write some ways to help the needy. यहाँ पे कुछ वे लिखना है जिससे आप लोग नीडी को हेल्प करोगे. Means in COVID times बहुत सारे लोगों को देख रहे थे कि यहाँ से वहां मीन्स लोग कहीं पे उन्हें रहने की जगह नहीं हो रही थी, लोग कहीं बाहर थे तो उन्हें आने में फिर प्रॉब्लम हो रही थी. तो उस टाइम में आप लोग क्या कर रहे थे, लोगों को शेल्टर मीन्स रहने की जगह कहीं कहीं पे दे रहे थे. लोग अपने घरों में तो नहीं दे पा रहे थे लेकिन उन्हें कहीं भी शिफ्ट किया जा रहा था. लेकिन उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टाइम में इस तरह से की जा रही थी, कुछ लोगों को फूड दिए जा रहे थे. मीन्स इतनी हो गई थी कि किसी की शॉप नहीं ओपन हो रही थी सिवाय किसके, सिर्फ डॉक्टर्स स्वीपर्स यही सारे जो वर्कर्स थे वो अपने काम पे लगे थे. बाकी सारी चीजें क्या हो गई थी, जितने भी शॉप्स थे बंद हो गए, ग्रोसरी ओपन. तो क्लॉथिंग फिर फूड्स सारी ये सब हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं नीडी पर्सन को. आप देख रहे होंगे कोविड टाइम्स में बहुत सारे जो लोग थे उन्हें उनके घर पे खाना बन नहीं पा रहा था, उन लोगों को लोग फूड प्रोवाइड कर रहे थे ना हमारे गवर्नमेंट. देख रहे थे आप सब. यस मैम. ये सारे नीडी पर्सन है, उन्हें जरूरत थी खाने की, उन्हें जरूरत थी रहने की, तो हम लोग वैसे लोगों की हेल्प करते हैं. So you will write yourself what do you think about needy person. कुछ वे आपको लिखना है, आप खुद से लिख लोगे इसे, ठीक है, मैं आपकी कॉपी में चेक कर लूंगी. बट यू हैव टू राइट व्हाट डू यू थिंक विद डाउट्स के अकॉर्डिंग आप इसकी आंसर लिखोगे. आप लोग सोचते हो ना, जैसे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज ये क्वेश्चन के बारे में आप लोग आंसर सोचोगे और खुद लिखोगे, ठीक है. एनी प्रॉब्लम मैं आप लोग को समझा दी हूँ और ये नीडी पर्सन को आप लोग किस तरह से तरीके से हेल्प करोगे आप लिखोगे, ठीक है. आपकी चैप्टर क्वेश्चन दीज टू आंसर आई हैव गिवन टू यू बट यू हैव टू राइट थर्ड आंसर बाई योर सेल्फ. ओके शानवी. ओके मैम. ओके मैम. सो यस मैम. Now next chapter 4, plants around us. ये सारे लोग लिखते हैं chapter 3 का. Can I erase now? Yes, Kapu. Yes, ma'am. फर्स्ट हो गया, सेकंड से नहीं हुआ. हाउ डज द कॉनिकल शेप हेल्प द प्लांट्स ऑफ हिल्स, ये नहीं हुआ. शास्त्र बताइए और मैम कौन सा क्वेश्चन से करवाना है. मैम ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन से कराना है. हाउ डज द कॉनिकल शेप हेल्प द प्लांट्स ऑफ हिल्स, ये क्वेश्चन. नो मैम. तो ई क्वेश्चन नंबर ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लॉन्ग. यस मैम. लीज द डिफरेंट कैक्टस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स.
मैम ये हो गया है हाउ इज कैक्टस से करा ओके ओके मींस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मम्मी राइट ऑन फास्ट एवरीवन बी रेडी टेक आउट योर पेंसिल और कॉपीज आई एम गिविंग यू टाइम 1 मिनट अरेंज सेकंड आंसर How is cactus plant able to grow in desert conditions? Means you know about the condition of desert area. Desert area की conditions तो पता है आप लोगों को वहां की temperature कैसी होती है वहां का conditions क्या है rainfall बहुत rainy बहुत कम होती है So how plants grow there? Okay? So what is the condition? In desert region, write down. Cactus plant is able to grow. Write down everyone. Cactus. वेरी लिटिल वॉटर पानी में वैसे प्लांट्स ग्रो कर लेते ग्रो हो जाते हैं ठीक है बिकॉज ईच हैज ग्रीन स्टेम एंड विल डेवलप रूट्स Mute yourself because it has green and develop means इसकी जो roots होती है ना वो बहुत अच्छी होती है ठीक है water because it has green stem and well developed roots full stop the stem stores water to ye jo green stem hote hain and well developed roots hote hain iski wajah se jo stem hote hain na water ko stores karke rakhte hain theek hai the stem मैम शॉर्ट आंसर नहीं हुआ कौन बोल रहे नहीं हुआ मैम मेरा शॉर्ट आंसर नहीं हुआ मेरा मतलब पर्सनली सबको नहीं दे रही हूँ सारे क्लास में प्रेजेंट है सभी को देती हूँ ना तो आप नहीं आए होगे उस दिन मैम रिटर्न रिटर्न मैम अगर आपकी नहीं हुई तो ले लेना अपने क्लास में से ठीक है किसकी नहीं हुई नेम बताओ मैम अंकित अंकित आए थे उस दिन लास्ट डे क्लास से चले गए नो मैम कब कैसे हो जाएगी घर पे खुद ब खुद वो कॉपी में प्रिंट हो जाएगी आप आओगे लिखोगे तब तो ना लिख लीजिएगा ठीक है ले लीजिएगा अपने फ्रेंड से अभी लिख लो ये ऐसा नहीं कि इसे छोड़ देना रफ कॉपी में इसे लिख लो फिर उसे लिख लेना फेयर कर लेना उसके बाद इसे कंटिन्यू कर लेना रिटेन एवरीवन प्लीज हेड मैम नो रिटेन मैम रिटेन मैम Thank you.
करो सही टू से फर्स्ट लेटर कैपिटल होनी चाहिए आफ्टर दिस स्टॉप क्या होनी चाहिए पापी मेरा पे नंबर रखेगा ओके राइट कौन कौन What are aquatic plants? State their types and give two examples of each type. I think so. Everybody know about the aquatic plants. What is the other name of aquatic plants? Who will say? Raise your hand first. जल्दी से बताइए aquatic plants को क्या कहते हैं और उसके दूसरे name क्या हैं? Krishna Kumar. What ma'am? Krishna. Aquatic plants. What? Krishna, water plant. Very good, Krishna. Water plants means aquatic means aqua means water. Aquatic means existing in water. Very good, Paridhi. Aquatic means. Arohi, aapki reply nahi. Water. Aqua water and. Aquatic means existing. Yes. Arohi की आंसर नहीं आ रही है एकदम शांत पड़े हो क्लास में Okay. So what are aquatic plants and state their types. उनके types लिखना है कितने types हैं And give two examples of each type. और जितने types दिए गए हैं उनके सारे examples लिखना है परिधि आप क्लास में नहीं रहती हो आप बार बार किसी से बात कर रही है क्लास में परिधि ज्योति आप क्लास में हो कंसंट्रेट कीजिए बार बार आप किसी से बात कर रही हो कैमरा ऑन है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मैं हो रही हूँ उसी की जैसे सारे आपके क्लासमेट भी हो रहे हो बातें बंद कीजिए राइट डाउन प्लांट्स विच ग्रो इन वॉटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स राइट डाउन प्लांट्स म्यूट एवरीवन लिखने टाइम माइक की जरूरत नहीं है म्यूट करो सब लेफ्ट साइड में वेट ग्रोइंग वाटर आई हैव डन मैम ग्रो इन के बाद क्या लिखी है ग्रो इन के बाद मैम ग्रो इन के बाद ग्रो इन के बाद पानी डब्ल्यू ए टी ई आर I will continue this question's answer next day. Okay? Ma'am, नीचे का नहीं दिख रहा है. Excuse me, ma'am, please try. ठीक है? Write down these all answers. Ma'am, इसके बाद क्या लिखे हैं? Is called aquatic plants. Books में सारे questions दिए रहते हैं. Books open कीजिए. Aquatic word नहीं समझ में आ रही आपको. ध्यान रहता है बहुत तो बोले कि ठीक तो है कोई दिक्कत नहीं है हमको कोई दिक्कत नहीं मुझको भी बोले हमको सामने तो हो गया हमको बोले आई हैव डन मैम I have done, ma'am. कौन बोल रही थी दीदी बोलता है हाँ पापा को बोल रहे थे कि उसको बोल
सो यू विल कंप्लीट दिस ऑल क्वेश्चन अरे म्यूट है ओके मैम थैंक यू फॉर टुडे बाय मैम बाय मैम से बाय मैम नाइस डे मैम बाय मैम नाइस डे बाय मैम बाय मैम बाय मैम